धोखाधड़ी से दिव्यांग कोटा का लाभ हासिल करने वाले आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेड़कर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और UPSC को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। अब पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत पर 21 अगस्त को सुनवाई होगी, तब तक हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वहीं अग्रिम जमानत के लिए खेड़कर की याचिका पर न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की है। वहीं खेड़कर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा जबकि UPSC की तरफ से नरेश कौशिक उपस्थित हुए। आपको बता दें, अदालत फिलहाल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि हिरासत में पूछताछ जरूरी है कि नहीं। वहीं कौशिक ने तर्क दिया कि खेड़कर का IAS में प्रवेश करना उनकी चालाकी भरी प्रकृति को उजागर करता है, इसलिए उनसे हिरासत में पूछताछ उचित है। यह देखते हुए तत्काल गिरफ्तार किया जाना भी जरूरी नहीं है। अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया है कि जब तक मामला विचाराधीन है तब तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। बता दें, खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अपने आवेदन में कथित तौर पर जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। 31 जुलाई को संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द कर दी, साथ ही उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से रोक दिया गया है। वहीं इससे पहले 1 अगस्त को पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेड़कर को झटका दिया था। कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि उनके खिलाफ UPSC की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की थी। उनका चयन रद्द करने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से भी रोक दिया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने खेड़कर को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए अपने 19 पृष्ठों के फैसलों में कहा कि आरोपी पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर के खिलाफ आरोप गंभीर और संगीन है, उनकी गहन जांच की आवश्यकता है। संपूर्ण षड्यंत्र का पता लगाने और षड्यंत्र में शामिल अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता स्थापित करने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।